हेलो चिल्ड्रंस, माय सेल्फ पुष्पा कांडपाल फ्रॉम पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानामत्ता, क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश। टुडे आई विल टीच यू पोयम नेम द आंट एंड द क्रिकेट फ्रॉम हनीड्यू। सो लेट्स स्टार्ट। अ सिली यंग क्रिकेट अकस्टम्ड टू सी थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ ग्रे समर एंड स्प्रिंग। एक बेवकूफ़ सा क्रिकेट होता है जो सिर्फ पूरे गर्मी के मौसम में, समर सीजन में भी और विंटर सीजन में भी, और जब धूप की तेज़ रोशनी होती है उस समय भी सिर्फ गाना गाने में अपना समय व्यर्थ में व्यतीत करता है। बिगिन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम, जब वो अपने घर जाता है, ही कंपोज्ड वाज एम्प्टी एंड विंटर इज कम, तो उसको शिकायत मिलती है। वो देखता है कि जो मेरा कपबोर्ड है वो तो खाली है और ठंड का मौसम आ रहा है, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड, उसके पास एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं था। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और बर्फ इतनी ज़्यादा हो गई थी जिससे जो मैदान थे, हरे हरे घास के मैदान थे, वो सब ढक गए थे। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, वो देखता है कि फूलों के पेड़ में एक भी फूल नहीं है। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, और ना ही किसी पेड़ पर एक भी पत्ता है। ओ अरे व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, वो कहता है अब यहाँ खाने के लिए तो मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, अब मैं क्या करूँगा। एट लास्ट अंत में बाई स्टार्वेशन फैमिली मेड बोल्ड, फिर उसको भूख की वजह से वो थोड़ा मतलब उसको गुस्सा भी आ रहा होता है, टेंशन भी हो रही होती है, तो लेकिन फिर वो एक साहस करता है, वो एक बात सोचता है। ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, सभी जगह ठंड की वजह से कोहरा वगैरह छाता है, तो उस वजह से जो जमीन होती है सब गीली हो जाती है और ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई होती है कि सभी लोग कांप रहे होते हैं। अवे ही सेट ऑफ अ मैजिक आंट टू सी इफ टू कीप हिम हेल्दी, फिर वो सोचता है क्यों ना मैं कंजूस चीटी के पास चला जाऊं और उसके पास जाऊंगा तो उसके पास मेरे लिए रहने की व्यवस्था भी हो जाएगी। फिर वो कहता है कि अगर मुझे जीवित रहना है संसार में, अगर मुझे यहाँ रहना है तो मुझे जीवित रहने के लिए खाने की आवश्यकता तो ज़रूर होगी, इसलिए मुझे चीटी के पास तो ज़रूर जाना पड़ेगा। ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, फिर वो कहता है कि चीटी के वहाँ तो मुझे घर बारिश से बचने के लिए रहने की व्यवस्था भी मिल जाएगी, वो मुझे अपने घर में जगह दे देगी। एंड अ माउथफुल ऑफ रेन ही विश्ड ओनली टू बोरो, ही वुड पे इट टुमारो, फिर वो कहता है कि क्यों ना मैं चीटी से कहूँगा कि मैं जो चीज़ मैं अनाज उससे इतना अनाज दे दूँगा जिससे मेरा विंटर सीजन कट जाए, और उसके बाद फिर मैं उसे अनाज का जितना अनाज से लूँगा उससे मैं फिर उसे उधार के रूप में चुका दूँगा, और उससे पूछूंगा कि आने वाले भविष्य में तुम्हें ये उधार चुका दूँगा और जितना मुझे अनाज की आवश्यकता है उतना अनाज मुझे दे दीजिए। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सोरो, वो कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मैं भूख से मर जाऊँगा और दुख से मर जाऊँगा। सेज द आंट टू द क्रिकेट, फिर जो क्रिकेट है वो आंट से, जो आंट है वो क्रिकेट से कहती है, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, कि मैं तुम्हारी नौकर भी हूँ और मैं तुम्हारी दोस्त भी हूँ। बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लेंड, लेकिन जो हम चीटियाँ हैं ना ही कभी किसी को उधार देती है ना ही किसी का उधार लेती है। बट टेल मी, लेकिन मुझे एक बात बताओ डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाई व्हेन द वेदर वाज वार्म, व्हाई द क्रिकेट नॉट आई, फिर वो कहती है कि तुमने जब मुझे एक बात बताओ क्रिकेट, जब गर्मी का समय था और स्प्रिंग का सीजन था तो उसमें तुमने क्या किया, तुमने क्या अपना समय किस चीज़ में नष्ट किया, तुमने अपने लिए अनाज क्यों नहीं रखा कि तुम्हें विंटर में भी अनाज की आवश्यकता होगी, तो तुमने ये क्यों नहीं सोचा। ये जो क्रिकेट है वो आंसर देता है, माय हार्ट वाज सो लाइट, कि जो मेरा हार्ट है, मेरा दिल है, बहुत खुश था, दैट आई सैंग डे एंड नाइट, इसलिए मैंने रात और दिन सिर्फ गाना गाया। फॉर ऑल नेचर लुकिंग डे, और सभी जो नेचर की सुंदरता थी, प्रकृति की जो सुंदरता थी, उसका मैंने आनंद लिया। यू सैंग सर, यू से, वो कहती है अच्छा तुमने सिर्फ गाना ही गाया, गो देन, जाओ, सेज द आंट, आंट से कहती है यहाँ से जाओ एंड डांस द विंटर्स अवे, कहती है कि तुम ये ठंड के मौसम में भी अब डांस करो और विंटर को भगा दो। दस एंडिंग ही हेस्टली लिफ्टेड द विकेट एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, अंत में जो क्रिकेट होता है उसको बहुत टेंशन होती है, हेजिटेशन हो जाता है, हिचकिचाहट होती है कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी, मैंने अपने लिए खाना नहीं बचाया, तो इस तरह से फिर जो चींटी होती है उससे कहती है कि आप यहाँ से चले जाओ, तो लास्ट में जो क्रिकेट होता है वो चींटी के घर के दरवाजे से वहाँ से चला जाता है। फॉक्स कॉल दिस अ पेपर, आई शैल वारंट इट ट्रू, सम क्रिकेट्स हैव फोर लेग्स एंड सम हैव टू, कुछ जो कहावतें हैं वो सही कही गई हैं कि जो कुछ क्रिकेट होते हैं उनके चार पैर होते हैं और कुछ क्रिकेट के दो पैर होते हैं।